इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारे यहाँ पर जो कास्ट है हमारा वो शो कर रहा है हमारे एमएक्स प्लेयर के अंदर, बट कभी कभी जो है ये शो नहीं करता है हमारे एमएक्स प्लेयर के अंदर। तो रीज़न क्या रहता है और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, ये हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि आपका क्रोम जो कास्ट होता है वो शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि यहाँ पर सिर्फ लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, कास्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन पहले हमारा आ रहा था। तो यही प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जब भी आप अपने कभी भी अपने हॉटस्पॉट से अपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करके रखेंगे तो हमेशा ही आपको कास्ट का ऑप्शन शो होगा। या ऐसे होता है कि हमने कभी अपने हॉटस्पॉट को, तो आप अपनी एलईडी को अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप और जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप भी उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेडा स्पॉट्स है ये, ठीक है, और तो आपको इसी वाईफाई से अपने स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट कर लेना है और खुद भी इसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है, तो आपकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है फिर ये सॉल्व हो जाएगी। तो इतनी सी सोल्यूशन रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।